क्या हुआ ताहिर, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं, मैंने कर्ज की किस्त जमा करवा दी थी, लेकिन फिर भी नोटिस मिला है कि रकम जमा नहीं हुई। घर पर मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है, उसके इलाज का खर्च भी उठाना है। बताओ अब क्या करूं? ओहो, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे सब मसले ठीक हो जाएंगे। ये बताओ, क्या तुमने सेहत इंश्योरेंस नहीं ली? आजकल तो इंश्योरेंस कंपनियां मामूली रकम देने पर सेहत की बड़ी बड़ी सहूलियात दे रही हैं। पिछले महीने मेरी बेटी है ना, कुछ दिन अस्पताल में दाखिल रही और इलाज का तमाम खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ने उठाया था। शुक्र है मैं बड़े खर्चे से बच गया। अच्छा, मुझे तो इसका इल्म ही नहीं है। अभी तो मैं कर्ज किस्त वाले नोटिस पर फिक्रमंद हूँ, लेकिन मैं इंश्योरेंस जरूर लूंगा। अच्छा, ये जो कर्ज की अदायगी ना होने का नोटिस मिला है, इसका मैं क्या करूं? क्या तुमने माइक्रो फाइनेंस इदारे में रابطہ किया? हाँ, उन्होंने कहा था रिकॉर्ड चेक करेंगे, लेकिन 30 दिन गुजर गए, कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? याद रखें, माइक्रो फाइनेंस इदारे की शिकायत सेल आपकी शिकायत मौसूल होने के 15-30 दिन में आपकी शिकायत का अजाला करने के पाबंद हैं। ताहम अगर मुकर्रा मुद्दत में मसाइल हल न हो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के टोल फ्री नंबर 0800-800-88 पर या queries@sec.gov.pk पर बजरिया ईमेल राबता कर सकते हैं। और अगर आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक से मुतालिक शिकायत हो तो मुतालिका बैंक की शिकायत सेल में बजरिया डाक, फैक्स, ईमेल या वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक की शिकायत मौसूल होने के 7-30 दिनों में आपकी शिकायत का अजाला करने का पाबंद है। ताहम अगर बैंक की सतह पर मसला हल ना हो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टोल फ्री नंबर 0211-111-727-273 पर मुफ्त कॉल करके या cpd.helpdesk@sbp.org.pk पर बजरिया ईमेल अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। स्टेट बैंक की सतह पर मामूली नौयत की शिकायत को 7-15 दिनों में, जबकि किसी भी तरह की माली बेसाबकी या धोखाधही की शिकायत की सूरत में ज्यादा से ज्यादा 30 दिन दरकार होंगे। तो परेशान ना हो, शिकायत आज हो या कल, अब होंगी हल। खुशहाली बैंक, जो चाहे आपकी खुशहाली हर हाल में।